रायबरेली स्थित फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ अराजक तत्वों ने कॉलेज के जेल गार्डन रोड बाउंड्री वॉल को तोड़ने लगे। जैसे ही बात की जानकारी पढ़ाई कहे छात्रों को लगी, वे मौके पर पहुंचे और अराजक तत्वों ने छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन छात्रों ने हौसला नहीं हार अराजक तत्वों को खदेड़ दिया। बता दें कि अराजक तत्वों की संख्या तकरीबन 50 के आसपास थी और ये लोग कॉलेज दीवार को तोड़कर जमीन पर कब्जा करने चाहते थे। वहीं सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट लवि मिश्रा ने कहा कि दीवार तोड़ने और हमला करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। चांदवानी में कॉलेज का अध्यक्ष हूँ और यहाँ बाउंड्री का निर्माण कॉलेज की हो रहा था और मैं यहाँ पर उपस्थित था अंदर की तरफ और मेरे सामने ही कुछ अजय तत्वों ने आरा गिराना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ लोग वीडियो बनाने लगे तो वो फरुआ लेके बड़े आपके कॉलेज के घायल हुआ है बाउंड्री प्रशासन की मौजूदगी मनाई जाए। हम नहीं पहचाने। यहाँ पर कुछ बवाल हुआ छात्रों और कुछ अराजक तत्वों का क्या है मामला? देखिए मामला क्या है अभी स्पष्ट होने में कुछ समय है। दीवार टूटी दिख रही है, अभी देखते हैं कि आप जो भी आएगा सामने का बताया जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए